हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज मैं बना रही हूँ आलू बड़े, और इसे हम कई जगह पर कहते हैं बटाटा बड़ा। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी फटाफट और अपने स्टाइल में। तो 5 आलू लिए हैं मैंने, और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। हरा धनिया था नहीं तो वो मैंने नहीं डाला है, आपके पास है तो आप डाल लीजिए। गरम मसाला भी इसमें ऐड करना है, ठीक है? और इसमें जो हम बेसन घोलेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ बेसन किस तरीके से रहेगा। बेसन को हमें ज़्यादा पतला नहीं घोलना है, बेसन का घोल जो हम बनाएंगे वो मीडियम बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तेल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने आलू में मिलाए हैं सारे मसाले, इन्हें हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से मिला लीजिए मसाले को, आप चाहें तो चम्मच से मिला लीजिए। मैं हाथ से ही मिला रही हूँ यहाँ पे, और अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि सारे मसाले आलूओं में अच्छे तरीके से मिल जाएं। तो ये हमने अच्छे तरीके से आलू मैश कर लिए हैं, मिला लिया मसाला। और ये देखो, इसमें जो हम घोल बनाएंगे बेसन का, वो ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बनाएंगे ये जो हमने आलूओं को मैश कर लिया था, इनके हम छोटे छोटे से गोले बना लेंगे, लगभग जैसे नींबू होता है ना उसके बराबर से, इस तरीके से। इसे हम डिप करेंगे बेसन के घोल में, बाकी के भी बना लेते हैं इसी तरीके से। और जितना आप बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा आप बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लीजिए थोड़े गोले ये। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। और बनाने के बाद में फिर इन्हें सावधानी से हमें कढ़ाई में डालना है। तो ये हमने बेसन के घोल में डाला, और इस तरीके से हम बेसन अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसमें लपेट देंगे, जिससे कि बेसन चारों तरफ हो जाए अच्छे से। और चम्मच की सहायता से कर लो, और आपको यदि करना है तो फिर आप अपने हाथ की सहायता से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसे सावधानी से उठाना है और कढ़ाई में डाल देंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई होगी ना तो चिपकेगा नहीं। आलू का जो मसाला हमने बनाया था, तो मैंने सारा गोले बना लिए हैं सारे मसाले के, और ये देखिए एक एक करके हमने यहाँ पे तलने के लिए छोड़ दिए हैं। तो कढ़ाई में अच्छी तरीके से हम इन्हें सिकने देंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे, और जब ये अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो फिर हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से ये सिक गए हैं तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू बड़े बनके तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। और यदि आप बेसन जब घोलते हैं तो उसमें अगर आप बेसन में नमक डालना चाहें तो आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें डाला है, कई लोग नहीं डालते हैं, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और बहुत अच्छे से बने हैं। मेरा ये वाला ब्लॉग ईद वाले दिन जाएगा, तो सभी मेरे भाई बहनों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से ईद मनाएं, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, अपना ध्यान रखें। और आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं।